नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। अभी मैं शाहपुर प्रखंड के झुआ पंचायत में हूं और झुआ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हरिराम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। निहायती ही ईमानदार और कर्मठ सुयोग्य व्यक्ति अपने आप को माने जाते हैं और अपने पंचायत को इतना सुंदर और सुदृढ़ बनाने में दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे यहाँ इनकी पत्नी मुखिया हैं, लेकिन मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में इतनी बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी लेके चलते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं कि शुरू से ही पहले यही मुखिया थे और चूंकि लेडीज कोटा आने के चलते इनकी पत्नी मुखिया है, लेकिन एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में अपने मुखिया का सपोर्ट करते हैं और पूरे जिले में ही नहीं, अपने पंचायत में नहीं बल्कि जिले में भी इनका काफ़ी, इनकी ईमानदारी और कमरता के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और हमेशा सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं। आइए जानते हैं, आप लोगों से रूबरू कराते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ों पे हम इनसे बात करेंगे जो आप लोगों से रूबरू कराएंगे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं मुखिया प्रतिनिधि हरिराम सिंह। तो पहले हमारे समृद्धि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी और मंत्रिमंडल के बहुत सारे सदस्य आपको दिख रहे हैं। जानना चाहेंगे मुखिया जी, तो बिहार सरकार का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना है, इसके पहले मैंने इस पर चर्चा भी किया था और अभी लगभग 4 साल आपके होने जा रहे हैं, विगत 4 साल हो गए, खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव तो हो ही गया होगा। हम जानना चाहेंगे कि लगभग 1 साल और आपकी कार्यकाल का रह गया है, क्या बताना चाहेंगे, ये जो 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की योजना है, आपके अनुसार ये योजना कैसी योजना है, क्या बताएंगे, फेल है या पास है, यानी कि सफल है या असफल है? चैनल का मैं बहुत, जब भी चैनल में आता है मेरा नाम तो बहुत हम खुश होते हैं और चाहते भी हैं जे आ जाए। लेकिन 7 निश्चय योजना जो चलाया गया, ये योजना तो मुख्यमंत्री जी अच्छे चलाए थे, लेकिन ये जो वार्ड का चुनाव हुआ है ना, इसी में आकर गलत हो गया और वार्ड सब सक्षम नहीं है। किसी वार्ड पिछड़ी है, अति पिछड़ा है, महिला है, जनरल है, मैंने इसलिए ये योजना का यूज ज़्यादा नहीं होता है। और चौदही पंचम को हम लोग साझ पजल में कर देते हैं, कहीं ना कहीं बनवा देते हैं। हम पंचायत में बहुत से काम नरेगा से किए हैं, जो प्रधानमंत्री योजना है उससे मैंने अपना पंचायत को पूरा किया, लेकिन 7 निश्चय का पैसा खर्च नहीं हो पाता, इसलिए जो वार्ड में कमी रहती है, वार्ड सदस्य काम नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं जो असहाय पैसा मिल जाए, असहाय है हो जाए, तो ऐसे कैसे हो, बगैर काम के 6 इंची के ढलाई पर चाहते हैं जो 1.5 इंची पर पैसा निकाल ले, तो हम लोग को भी इसमें तो मामला है। मेरी पत्नी मुखिया है तो चाहेगी जो हम जल्द चले जाए, ये हम जरूर रुकते हैं भाई, थोड़ा ढंग से काम करो। यानी कि आप अपने वार्ड पे पूरी मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारे वार्ड में लोग काम करें तो विधि संगत काम करें, अच्छे ढंग से काम करें, ताकि समस्या हमारे ऊपर ना आए। ये तो जरूर कहता हूँ, जो मान लीजिए काम ऐसा कीजिए जो कोई अगला मत कहे जो मुखिया जी के राज में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है अभी वार्ड अभी तो मुखिया है, बिल्कुल आपका दायित्व नहीं बनता है, मेरा ही दायित्व बनता है। अच्छा, कोई भी कहेगा कि मुखिया जी काम खोले था, तो किस आधार पर काम खोल दिए जो काम शुरू नहीं कराए, बिल्कुल मेरे दायित्व बनता है, इसलिए मैं जरूर कहता हूँ जी भाई अच्छा से काम कीजिएगा, नहीं तो भाई गलत काम कीजिएगा तो गलत वाला के हम साथ नहीं देते। अच्छा मुखिया जी, यदि शौचालय की बात करें तो क्या पोजीशन है शौचालय की? काम जो ये प्रधानमंत्री जी चलाए ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सफल नहीं हुआ, सिस्टम सही नहीं। हाँ, सिस्टम इसका बिगड़ गया, जे ले जाओ फॉर्म डाल दो और पैसा निकाल दो, घर शौचालय बनाया नहीं बना, इसका कोई कागज नहीं है, लेखा जोखा नहीं है, शौचालय की जांच नहीं, ये मुखिया से कोई मतलब नहीं रह गया शौचालय के बारे में, ये डायरेक्ट लोग वार्ड से लिखवाते हैं, अपने से पैसा निकालते हैं, जो वीडियो है वो अपना पैसा डाल देते हैं, इसमें घुस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चलती है, खुश चल रहा है, खुश चल रहा है, पैसा लोग लेते हैं, ब्लॉक से डाल देते हैं, हमसे कोई पूछा जाता है जी मुखिया जी अथी बनेगा शौचालय कितना काम में बना है, कितना पैसा निकला, कितना नहीं निकला, कोई नहीं हमसे पूछा है, तो यानी कि इसमें मुखिया लोगों को दरकिनार, कोई रीत नहीं रखा गया है, मुखिया के इससे आउट कर दिया गया है। अच्छा, जिसे जल मल योजना आया इस पर हम लोग का दावा है ये गलत नहीं होगा, चूंकि मॉनिटरी है, मोटी है, मालिक ये PhD से हो रहा है तो हम लोग इसमें निगरानी में है, बिल्कुल ये जो योजना होता है सही होता है, हमारे दरवाजा पर लोग आते हैं ठेकेदार लोग तो हम कहते हैं इस तरीके से काम करना, इस्टीमेट दिखाइए। अच्छा मुखिया जी, मुखिया जी से लोग से हट के काम लोग करते हैं। अच्छा मुखिया जी, यदि हम बात करें अभी चूंकि
राशन की राशन में भी बहुत धांधली की समस्या सामने आ रही है। राशन की डीलर लोग अपनी मनमानी कर रहा है और बहुत तरह की समस्या है। आम जनता का जैसे कहना है कि हमें समय का राशन नहीं मिलना, चाहे इस महीना का राशन उस महीना वगैरह वगैरह, बहुत तरह की समस्या है। आप क्या बताना चाहेंगे? हम तो जरूर ये कहेंगे ये राशन में देखिए राशन में गलती होता है। डीलर लोग कितना हूँ एक महीने का बांटते हैं तो दो महीने तीन महीने के साइन करा लेते हैं। जियो जो है बहुत हमारे यहाँ लूज है, एमओ लूज है, इसका कमी से ये हो रहा है। पॉडी के लोग दरवाजा पर डांट के खेल देते हैं, बरियारे बरियारे की यहाँ राशन का दुकान है, इसलिए तो दबाव करते हैं जरूर। पब्लिक नहीं पाते हैं। कितने डीलर है आपको पंचायत? हमारा पंचायत में तो आपका 4 डीलर बेलोनिया में है, 2 डीलर झौआ, 6 और एक रमदिहरा में, 7 डीलर। जिसमें बलवनिया वाला डीलर चारों तो मिला जुला कर थोड़ा ठीक चला रहे हैं, अबर जात है, लेकिन झौआ में दोनों राजपूत है, वो लोग साफा कोटा खा जाते हैं इधर से उधर को। रमदिहरा के भी स्थिति ठीक नहीं रहता, रमदिहरा में भी स्थिति नाजुक रहता है, लेकिन वो थोड़ा दे देता है, ज्यादा लोग का गाँव में दबा के ले लेते हैं। लेकिन झौआ में जो डीलर है सब राजपूत है, ये द्वार पर दरवाजा पर कोई गरीब जाता है तो गाली देके खेत देते हैं। भक्त तुम्हारा यहाँ इतना ही होता है तो 5 किलो 4 किलो 10 किलो माली की मशीन के द्वारा निकाला जाता है, उसमें भी गलती होती है। मशीन कुछ रेट निकाला, कुछ वजन निकाला, लेकिन उसमें उसमें भी लोग अपना पैसा खाने के लिए 5 किलो अनाज कम दिया, एक बाद उसको पैसा ज़्यादा भी लेते हैं, अनाज भी कम देते हैं। यानी कि मिला जुला के जो जनता कह रही है वो सही है, एकदम जनता सही कह रही सही कह रही है। ये जरूर हम कहता है जनता से जब लड़िए लड़िए भाई, जो आता है तो उसने तो हम लड़ जाएंगे, लेकिन आता नहीं है हमारे पास तो हम क्या जानेंगे जी क्या कर रहा है। अच्छा मुखिया जी, यदि हम बात करें कि हर जगह चूँकि पंचायत में सोखता बनाने की व्यवस्था आ गई, हमारे यहाँ चालू हो गया, चालू हो गया, मैं इस काम में लग गया। सोखता अच्छा चीज, अच्छा चीज, रोड पर पानी जाम नहीं होगा, कीचड़ फानी नहीं, आल जाल नहीं होता है, पर पैखाना लोग रास्ता पकड़ देते, ये भी नहीं चलेगा। सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है आपकी पंचायत? सरकारी विद्यालय तो हमारे ठीक चलता है, थोड़ा हाई स्कूल लू चलता है टाइम बे टाइम। आपने इसका कंप्लेंट किया? कई बार हमसे बोले लोग मास्टरों से, हम दवा दिए भाई तुम लोग का, उसमें मैं अध्यक्ष भी हूँ, अगर बार जाकर दबाव दिए, लेकिन वो आदत के सबक जा रहे किसी की बात सुनने में, यानी कि शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इंस्पेक्शन नहीं दिए, नहीं इंस्पेक्शन नहीं दिए हैं। अच्छा मुखिया जी, चूँकि तमाम पदाधिकारी आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपके पंचायत के भी लोग देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी पंचायत, इस पंचायत को स्मार्ट और सुंदर पंचायत बनाने के लिए आपको सरकार की तरफ से कैसा मदद चाहिए, क्या बताना चाहिए? हम तो बहुत देखे हैं, बहुत सुने हैं, ये आदर्श पंचायत जिस टाइम में हमको बहुत कम पैसा मिलता था उस टाइम में हम आदर्श पंचायत बना दिए थे, लेकिन ये 7 निश्चय योजना चलाया गया ना सफल नहीं, इसलिए आदर्श पंचायत हो नहीं पाया, सफल नहीं होता है। और मैं 14वीं पंचम से क्या करूँ, साल में 2 लाख आया, 3 लाख आया, 4 लाख आया रुपया, तो उससे क्या होगा, ये गली नली बना काम खत्म। तो नरेगा से थोड़ा अलम लेते हैं, लेकिन 7 निश्चय का पैसा यूज नहीं होता है, बहुत कम होता है। सात नीचे योजना में जो वार्ड क्रियान्वयन समिति मिली है इसके द्वारा परेशानी हो, यानी कि मुखिया जी लोगों की जिम्मेवारी नहीं, सचिव से वार्ड का झंझट, वार्ड का सचिव से झंझट, ये लोग पैसा काम करने के बाद इन लोग ही झंझट लगती है, जैसा झंझट कहीं नहीं लगता है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वार्ड चयनित करे सरकार इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वार्ड को काम करने का जिम्मा दिया जाए ये परेशानी है। हाँ जरूर परेशानी है, ये लोग वार्ड माने सक्षम नहीं होता है ना, मालिक ऐसा ऐसा जगह जमीन है ये कहीं ये कुछ रोड निकालना है तो जाएगा वार्ड के डांट देता है, तो वार्ड का नहीं चलिए। अच्छा लगा, आप लोग देख रहे थे हमारी बात हो रही थी, ये झौआ पंचायत है, शाहपुर प्रखंड के अंतर्गत झौआ पंचायत आता है। झौआ पंचायत के पूर्व मुखिया हरे राम सिंह और वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हरे राम सिंह जी हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी पत्नी अब की अभी मुखिया है, इसके पहले ये खुद मुखिया थे, और लगातार वर्षों से इन्होंने अपने ग्रामीणों के साथ, अपने पंचायत वासियों के साथ, अपने जनता के साथ कुछ ऐसा रिलेशन जोड़ के रखा है ताकि जनता इनको बार बार इनको प्रतिनिधि के रूप में बनाती है, अपना प्रभार, अपने इस पंचायत का प्रभार इनको लगातार दी रहती है। इनके सिर पे एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी है, लेकिन आज रुष्ट है मुखिया, आखिर कारण क्या है?
आप लोगों ने देखा, इन्होंने बताया कि राशन किरासन में हो रही पर्याप्त रूप से धांधली, दबंगों के द्वारा उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। यदि कोई भी राशन किरासन लेने वाले लाभुक यदि डीलर के पास जाते हैं तो वो लोग अपनी दबंगई और पावर दिखाते हैं और डांट के भगा देते हैं। इनका कहना है कि मैं अपने पंचायत का विकास पहले भी किया था और आदर्श पंचायत जब कम राशि आती थी हमारे पंचायत में तो मैंने अपने पंचायत को डेवलप करके दिखाया था। अभी तो राशि काफ़ी मात्रा में आ रही है लेकिन फिर भी मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा हमारा पंचायत नहीं बन रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारा सहारा सिर्फ मनरेगा रह गया है। कहीं से भी वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा हम अपने पंचायत को सफल नहीं कर सकते हैं। इनका ये नहीं कहना है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, इनका कहना यह है कि वार्ड चयनित करे अच्छी बात है। चूंकि पहले क्या होता था कि मुखिया जी लोग अपने ढंग से शायद करते थे, लोगों का कहना है, आम जनता का कहना है कि उनको लगता है कि मेरे ही गांव का विकास करना है तो अपने ही गांव का विकास करता था लोग, या जहां से इनको वोट ज़्यादा मिलता था वहीं से विकास करते थे। इनका कहना है हमारे साथ तो ऐसा नहीं था, फिर भी यदि सरकार ने ऐसी योजना लाई है तो अच्छी योजना है, सरकार को वार्ड चयनित करना चाहिए कि इसी वार्ड में काम हो। लेकिन वार्ड काम कराए ये कतई सही नहीं है, क्योंकि मुखिया को पता है कि कष्ट कहाँ है, सीमा बना दिया गया है कि 12 लाख खर्चा करेगा जी, क्या बोल रहे हैं, ये भी सीमा बना दिया गया है, एक वार्ड में 12 लाख खर्चा बस। और बड़ी बड़ी वार्ड है जिसमें मान ली कि 1200 1100 1500 वोटर है, उस वार्ड में लंबा लंबा योजना नहीं चलेगा तो कैसे पूरा। मुखिया जी का कहना है, आपने देखा कि वार्ड की भी एक, इस वार्ड ये यदि 12 नंबर वार्ड है या 10 नंबर वार्ड है तो इसमें खर्चा है यदि 50 लाख तो 12 लाख ही खर्चा करना है, तो 12 लाख के खर्चे में वहाँ पे तो फिर परेशानी आएगी, जनता बोलेगी या आम लोग जो इन्होंने वोट दिया है, जो ग्रामीण वोट दिए हैं वो तो बोलेंगे कि हमारे यहाँ काम हुआ, उनके यहाँ काम हुआ मेरे यहाँ नहीं हुआ, तो फिर झंझट पालने वाली बात हो जाएगी। तो सरकार को अच्छी तरह से इस पर मंथन करना चाहिए कि यहाँ पे कितनी राशि लगेगी उसके बाद राशि को पास करें या चयनित करें तो बहुत अच्छा होता। बहुत तरह समस्याओं से जूझ रहे हैं फिर भी विकास करने के कगार पर कहते हैं कि इसके बावजूद भी मनरेगा वगैरह से किसी भी तरह हम अपना पंचायत को डेवलप करने के लिए अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में लगे रहते हैं ताकि हमारे आम आवाम को कोई परेशानी न हो, और लगातार निरंतर हम लगे हैं और लगे रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ, थैंक यू।